हमारे माँ का भाग बाप का भाग खराब है और अमित शाह का बेटा का भाग बहुत अच्छा है क्योंकि उसका बाप जो है उसके ऊपर कई बार होने का आरोप था, और हमारे माँ बाप जो है ईमानदारी से मेहनत करके मेहनत मजदूरी करके हमको पाले पोसे, तो हमारा भाग्य खराब है। और जो बेईमानी करता है, चोरी करता है, दंगा करवाता है, देश के लोगों को आपस में लड़वाता है, तो उसका भाग बहुत अच्छा है। ये भाग्य का सवाल नहीं है, ये नीति का सवाल है। और पिछले 5 साल में जो नीतियां अपनाई गई हैं, हमारी रोज की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। नौकरी मिलना तो छोड़ दीजिए, जिनको नौकरी मिली हुई थी उनकी 3,16,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस साल 2020 में 18,00,000 लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। यह हमारे देश की समस्या है। अगर मैं यहां मार्बल में खड़ा हूं, मैं पुराने घाव को नहीं कुरेदना चाहता हूं। कहते हैं ना, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है। ये खेती किसानी का इलाका है, और इस खेती किसानी के इलाके में आप किसानों की हालत देखिए। आप अगर देश में आंकड़े उठा करके देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसान आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि खेती किसानी आज लाभ का विषय नहीं रहा है। अगर लाभ का विषय होता तो नेताजी की तरह किसान भी अपने बच्चे को किसान बनाना चाहता, डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कलेक्टर अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहता है, एक्टर अपने बच्चे को एक्टर बनाना चाहता है। नहीं, अमिताभ बच्चन अपने बेटा को चाहेगा अभिषेक बच्चन भी अमिताभ बच्चन बन जाए। किसान अपने बच्चे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है? क्योंकि उसको मालूम है कि खेती किसानी करेगा जिंदगी भर परेशान रहेगा। लेकिन सोचिए, अगर किसान किसानी नहीं करे तो एक्टर साहब, लीडर साहब, कलेक्टर साहब और डॉक्टर साहब क्या खाएंगे? सबके खाने के लिए तो किसान पैदा करता है ना। आप जब महंगा दाल और प्याज खरीदते होंगे तो आपको लगता होगा बड़ी महंगाई बढ़ गई है। अगर महंगाई बढ़ गई है खाने पीने की चीजों की, तो किसान के घर के सामने मर्सिडीज होना चाहिए। आखिर किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्योंकि किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता। आप 200 रुपए किलो प्याज खरीदते हैं, लेकिन किसान को 2 रुपये किलो प्याज मिलता है। और यही जो 198 रुपये की लूट है, यही जो 198 रुपये की बेईमानी है, बेईमानी करके जिन लोगों ने धन इकट्ठा कर लिया है, वो इस देश में मीडिया को खरीद करके आज हमसे हमारा लोकतंत्र संविधान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बड़ी लड़ाई है। हमको ये समझना पड़ेगा कि एनआरसी का मुद्दा क्यों खड़ा किया गया है। एनआरसी का मुद्दा इसलिए खड़ा किया गया है कि हम गरीब लोग एक ही साथ रहते हैं। कोई अरबपति का बेटा थोड़ी आपके घर के बगल में रहता है, कोई अरबपति का बाल बच्चा थोड़ी आपके स्कूल में पढ़ा है। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, जो आपका औकात है उसी औकात के हिसाब का इंसान और उसका बाल बच्चा आपके साथ रहता है। मेरे स्कूल में मेरे ही औकात का लोग मिलेगा ना हमको। हम तो दून पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ने के लिए गए हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। और उस सरकारी स्कूल में जहां हम ये प्रार्थना गाते थे, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, उस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, हम अपने बचपन में गाना सुनते थे, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं गरीबों के, एक डीजे ले लेगा और भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर डीजे पे गाना कौन बजाएगा कि अब मुल्ला भी जैसे राम बोलेगा। देखिए कहां पहुंचा दिया है हमको। आपस में साथ रहे हैं, क्रिकेट खेले हैं, फुटबॉल खेले हैं, वो हमारे घर में आकर के दिवाली का लड्डू खाया है, हम उसके घर में जाकर के ईद की सेवइयां खाए हैं। क्या हो गया है ऐसा कि स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के आप जहां नौकरी करते हैं ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में,
बाजार का अगर कोई समिति बना हुआ है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में, लोकल पंचायत का कोई व्हाट्सएप ग्रुप हुआ है कुछ, उसमें दिन रात नफरत की बात होती है। ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप में कोई विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है और एक दूसरे के खिलाफ जो है तलवार निकाले हुए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।